आया बेटा, दरवाजे पे देख कोई आया है। आप कौन? नमस्ते, मुझे वो सुधा आंटी ने भेजा था आपके घर पे काम के लिए। आइए। मम्मी, सुधा आंटी ने किसी को भेजा है। सुधा आंटी ने भेजा है? नमस्ते आंटी, मेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रतिभा है। अच्छा, तेरे को घर के सारे काम आते हैं ना? हाँ आंटी, मुझे सारे काम आते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, और मैं खाना भी बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। तो आंटी क्या काम करना है मुझे बता दीजिए, मैं काम पे लग जाती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लेना काम। पहले थोड़ा आराम कर, चाय पानी पी, इसको अपना घर समझ, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है आंटी, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, इसको इसका रूम दिखा दे और फिर इसको किचन दिखा देना। ठीक है। चलिए। ये रूम है तुम्हारा। अच्छा रूम है। ये किचन है और सारे सामान तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर, देख लो। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, आप चलिए। मम्मी, अब ये यही रहेंगी क्या? हाँ बेटा। पर मम्मी, ये हमारे घर में क्यों रहेगी? इसका घर नहीं है क्या? बेटा ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, इसलिए तो उन्होंने मेरे पास भेजा है, मैं यहाँ पे अच्छी तरह रखूंगी इसे। बेटा मैंने बेटा इसीलिए घर में रखा है कि तू अकेली रहती है, तेरे को एक पार्टनर मिल जाएगी, सहेली मिल जाएगी, बातें करने वाली मिल जाएगी, हैं? और उसका भी काम हो जाएगा, वो बेचारी अकेली कहाँ रहेगी। क्या, मेरे इतने बुरे दिन हो गए, मैं उस काम वाली को फ्रेंड बनाऊंगी? मम्मा अपना पागल हो गए हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हेलो। हाँ प्रिया। अरे यार आना तो मैं भी चाहती हूँ, पर तुम लोगों को पता है ना, मम्मी नहीं जाने देंगे पार्टीज के नाम पे। मुझे ना ग्रुप स्टडी का बहाना बना के ही आना पड़ेगा। हाँ तो रुक ना, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है, चल मैं ट्राई करके तुझे बताती हूँ। ठीक है, ओके चल, ठीक है, बाय बाय। ओके बाय। मम्मी हाँ बेटा। सुनो ना, प्रिया के घर पे ना सब ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊँ प्लीज। देख बेटा, मैं तेरे को पढ़ाई के लिए तो भेज रही हूँ, लेकिन रात को टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ पक्का, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। हाँ, जाऊँ मैं? हाँ ज्यादा लेट मत करना। नहीं नहीं, मैं सच में मैं जल्दी आ जाऊँ। जाऊँ? ओ थैंक यू, मैं आ जाऊंगी। हाँ चलो बाय बाय। बाय। 8 बज गए, अभी तक आई नहीं है, थोड़ी देर और देख लेती हूँ। अरे 10 बज गए, अभी तक आई नहीं है, फोन करती हूँ उसको। अरे फोन भी नहीं लग रहा, फिर करती हूँ। छाया तो आंटी का फोन ही नहीं उठा रही, और उठाएगी भी कैसे, वो तो ग्रुप स्टडी पे गई ही नहीं है, वो तो पार्टी में है। आप भी नहीं लग रहा फोन, मैं क्या करूं, आंटी तो बिना मतलब परेशान हो जाएंगी। फोन भी नहीं लग रहा है, 10 बज गई है। आंटी वो छाया का मुझे कॉल आया था, आप बिजी थे ना, तो उसने कॉल करके मुझे बताया। अच्छा, उसकी फोन की बैटरी ना डेड होने वाली है और वो आधे घंटे में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, खाना लगा दे, मेरे भी सिर में दर्द है, मैं खा के थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है आंटी, मैं खाना लाती हूँ, आप दवा खा करके सो जाओ, मैं दरवाजा खोल दूंगी। खोल देना बेटा। हैं ठीक है, लगा दे खाना। बारह बज गए, कहीं आंटी उठ ना जाए, अगर आंटी उठ गई तो कहाँ रहेगी ये छाया।
बाप रे, रात के 12 बज गए, मैं क्या करूं? भगवान जी प्लीज आज बचा लीजिए। आज तो खैर नहीं होगी घर पे, आज के बाद कभी मैं लेट नहीं करूंगी। कैसे जाऊं, मेरे पास तो चाबी भी नहीं है घर की। फंस गई छाया, बेल बजाऊंगी तो मम्मी उठ जाएंगे, मैं क्या करूं? भगवान जी प्लीज आज बचा लो, आज के बाद कभी लेट नहीं करूंगी मैं। छाया, ये कुछ टाइम है घर आने का, और मुझे पता है कि तुम पार्टी में गई थी, किसी ग्रुप स्टडी में नहीं। आपको पता भी है आंटी कितना परेशान हो रही थी। आइंदा से ऐसी गलती मत करना, आज तुम्हें आपका साथ दिया है, अगली बार से नहीं दे पाऊंगी। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर आगे से मैं आंटी से बोलूंगी। ज्यादा ना मेरी बहन बनने की कोशिश मत करो तुम, कि तुम्हारा काम है। तुमने ना कोई एहसान नहीं किया मेरे पर, ठीक है? तुमको ना इस चीज की सैलरी मिलती है, ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो। बेटा, प्रतिभा की ना तबीयत खराब है, आज काम तू कर दे। क्यों मम्मी, मैं क्यों काम करूं? काम वाली बाई आपने किस लिए रखा है फिर? बेटा, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है ना, आज उसकी खराब है तो बेटा कर दे तू काम। पर मम्मी, उसको किस लिए रखा है आपने? उसको पैसे लेती है ना, तो मैं क्यों काम करूं उसका? एक बात बता, जो भी काम वाली आती है, हर इंसान 2 या 3 छुट्टियां तो लेता ही है ना, ऑफिस में भी हुआ करती है, तो 24 घंटे वो थोड़ी काम करेगी। अगर उसकी तबीयत खराब है तो 2 दिन अगर नहीं भी करेगी तो तेरे को करना पड़ेगा बेटा। अरे मम्मी, वो ना नौटंकी कर रही है, उसकी तबीयत कुछ खराब नहीं है, वो बस उसको सोने को चाहिए। मैं नहीं करने वाली काम, उसको बस सोने को चाहिए, वो नाटक कर रही है। हाँ यार, मुझे पता है उसका बर्थडे है, लेकिन बर्थडे तो गिफ्ट तो लाना पड़ेगा उसके लिए, और मेरे पास पैसे नहीं है गिफ्ट लाने के लिए। क्या? अच्छा रुक जा, मैं देखती हूँ, ठीक है? हाँ रुक जा। मम्मी का पर्स? मम्मी नहीं है क्या? काम हो गया? बाजार सामान लेना है, मैं बाजार जाती हूँ, कुछ लेके आना है। इसमें तो पैसे ही नहीं है, किसने चुराए पैसे? छाया? हाँ मम्मी। मेरे इसमें पैसे पड़े थे, कहाँ गए पैसे? तूने लिए क्या? नहीं मम्मी, मैं क्यों पैसे लूंगी? और कहाँ चले गए? घर में और कौन है, वो ही ली होगी पैसे तुम्हारे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बिना देखे किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। पर मम्मी, घर में कौन है और? पैसे उसने ही लिए होंगे, मैंने नहीं लिए पैसे। पर अच्छा, पता करना पड़ेगा किसने लिया है, मुझे ही करना पड़ेगा पता। इससे पहले कि मम्मी नहा लें, जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। अरे नमक तो ख़त्म हो गया, मम्मी जी को भूख लगेगी ना, कल फास्ट था उनका। लेके आती हूँ। कहाँ गई थी? वो मम्मी जी नीचे दुकान गई थी। और पैसे यहाँ पड़े थे? हाँ मम्मी जी, ये रहे पैसे। वो मुझे नमक लेना था ना, नमक ख़त्म हो गया था, और आपके नहाने से पहले मुझे खाना बनाना था। आपको भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं चली गई आपसे बिना पूछे। छाया, मेरा फोन ला दे जरा, पर्स में पड़ा है। हाँ मम्मी, लाती हूँ।
तूने पैसे चुराए ना मेरे पर्स में से? ये ना अब नहीं 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 चलेगा, मुझे मालूम है तूने ही चुराए हैं। मैं तेरे को किसी चीज की मना करती हूँ, तू मांग लेती मैं तेरे को दे देती। सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगी ऐसा। आगे से ना ये हरकत अच्छी नहीं होती है बेटा, हैं? जो चीज चाहिए मेरे से मांग, ऐसे किसी गरीब के ऊपर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रही थी कि आंखों देखा है तूने, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाती हूँ, सोच समझ के किसी के बारे में बोलना चाहिए। जी मम्मी। हाँ ध्यान रखना आगे से। सो रही है? ये क्या ले रखा है इसने? किसका है? अरे ये तो वो अनाथ आश्रम की है फोटो, इसमें छाया का भी फोटो है, प्रतिभा का भी। पता करना पड़ेगा कहीं इसकी बहन तो नहीं है जो इसको गले लगा के बैठी हुई है। पता करूंगी। मेरा सर ना बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी में पेन कर रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, मैं दबा देती हूँ, आपको रिलैक्स मिलेगा, आप सो जाओ। ओके आप ले जाओ। प्रतिभा तूने कपड़े कैसे धोए हैं? सारी मैल वहीं की वहीं लगी हुई है, और झाड़ू लगाया है तो देख जरा कैसे लगा हुआ है। बर्तन देख, बर्तन ध्यान से धोना और तोड़ना मत, आजकल तू पता नहीं कैसे काम करने लगी है। मम्मी जी को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बात कर रही हूँ मुझसे? वो मुझसे ऐसे तो बात नहीं करती थी। छाया ये लो चाय। थैंक यू। अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है? ओ हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो उसके लिए मैं ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी आज। तुम बताओ ना कौन सी अच्छी है। हाँ अच्छा वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं अनाथ हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कौन से दिन पैदा हुई मैं। ओके कोई नहीं, हम लोग ना अपना बर्थडे साथ में मना लेंगे। ये देखो ये वाला? नहीं ये वाला ज्यादा अच्छी है, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ओके, तो तुम अपने लिए देखो ना अभी। नहीं मैं क्या करूंगी, तुम बस ले लो अपने लिए। बताओ तुम कौन सा चाहिए तुमको। क्या सारा दिन बातें करते रहते हो, हैं? लगे रहते हो बातें करने में, तू पढ़ाई कर जाके, उठ यहां से। और तेरा काम पड़ा हुआ है कितना सारा, बैठे बातें कर रहे हो तुम। इसको क्या हो गया? मम्मी भी ना आजकल बहुत ज्यादा ही डांट दे रही है इसको। प्रतिभा क्या हुआ तुमको? मम्मी की बात का बुरा लगा तुम्हें? मम्मी तो ऐसी नहीं है, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारे वजह से मुझे कितना चिल्ला देती थी, तुम्हें तो बहुत प्यार करती हैं, शायद कोई टेंशन की वजह से तुमको डांट दी होंगी। नहीं छाया, मुझे मम्मी जी की बातों का बुरा नहीं लग रहा है। तो फिर क्यों रो रही हो तुम? अपनी बहन की याद आ रही थी बस इसलिए रो रही थी। तुम्हारी बहन भी है? दिखाओ जरा मुझे। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है। और फोटो है इसकी? ये हमारे अनाथालय की फोटो है। क्या हुआ छाया? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है मैं आती हूँ। हाँ
को समझ में नहीं आ रहा, क्या मैंने जो प्रतिभा के साथ फोटो देखा वो मेरी फोटो कैसे हो सकती है? मैं अनाथ कैसे हो सकती हूँ? और मैं अनाथ हूँ तो ये कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोटो में अगर मैं हूँ तो मम्मी मम्मी ने मेरे से झूठ बोला है क्या? वो इसलिए इतने दिन से प्रतिभा के ऊपर चिड़ी चिड़ी सी हैं, गुस्सा कर रही हैं उसके ऊपर? नहीं 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 नहीं, ये गलत हो सकता है। पर वो फोटो में है कौन? सेम वो तो मेरी ही फोटो है। मुझे मम्मी से बात करना पड़ेगा आने के बाद, मुझे बात करना होगा। अच्छा मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछ। आपने मुझे गोद लिया है ना? क्यों, किसने बोला तेरे को? आप वो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपने मुझे गोद लिया है ना? पहले बता, बोला किसने तेरे को? मम्मी, मुझे सब पता चल गया, मैं प्रतिभा की बहन हूँ ना मम्मी। हाँ मम्मी, आपको भी पता चल गया ना कि मैं प्रतिभा की बहन हूँ? हाँ, इसीलिए आप उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो ना? आप तो ऐसे बिहेव नहीं करते थे किसी के साथ, और मुझे बोलते थे कि तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो, और तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे तो मुझे क्या लगेगा मम्मी? हाँ, आप क्यों डर रहे हो? आप डर रहे हो ना मम्मी? पर मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बेटा, मैं सोच रही थी कहीं वो तेरे को अपने पास ज्यादा ना ले ले और मेरी तरफ से तू दूर ना हो जाए। मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अरे मम्मी, लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मैं आपको छोड़ के किसी और के साथ चली जाऊंगी? माना मम्मी कि वो मेरी सगी बहन है, लेकिन मैंने होश संभाला तो मैंने तुमको ही तो देखा है मेरे पास। हाँ, आपने मुझे छोटे से लेके बड़ा किया है, आपको मैं कैसे बोल सकती हूँ? मम्मी, मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकती हूँ? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो मम्मी? हाँ, कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बेटा, एक मन में आ जाता है ना कि जब अपना सगा मिल जाता है तो दूसरों को भूल जाता है। नहीं मम्मी, आप मत रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अभी आप रोना बंद करो, हाँ, और ये सब छोड़ो अभी आप, ठीक है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर मम्मी, ऐसा हो सकता है क्या कि आप उसको भी गोद ले लो, उसको भी माँ का प्यार मिल जाएगा और मुझे भी एक बहन मिल जाएगी जो आप सोच के उसको लेके आए थे इस घर में? कितनी खुश हो जाएगी वो भी मम्मी, और आप तो उसको बहुत प्यार करते थे ना। सोचो ना मम्मी, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, तो तू ठीक कह रही है, वैसे भी तू यही रहती है, है ना? तो हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, कागज बनवा के उसको परमानेंट गोद ले लेती हूँ, ताकि उसके मन में जो अनाथ का हुआ है ना वो भी खत्म हो जाएगा, है ना? और आप अपना डर दो, बेटियां मिल जाएंगी। चलो अभी आप रोना बंद करो, कब से रोए जा रहे हो? सब कागज तैयार हो गए हैं, तू अब अनाथ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। ऐसे क्या देख रही है, मेरी अब दो बेटियाँ हैं, तू भी तो मेरी बेटी है। मम्मा, मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो।